सुबह आपके साथ जागने का काम करता था रेडियो पर, और अब आज आप सबके सामने यहाँ पर खड़ा कर दिया है मुझे। आप सबके साथ बातें करेंगे, हम सागर जी को भी बुलाएंगे, उनकी कवालियों के साथ भी एंजॉय करेंगे। पर पहले तो भाई, जितनों ने भी कभी ना कभी सुबह सूरत में रेडियो पर इस आवाज़ को सुना हो, और सुना हो कि जैसे हर बार कहता हूँ, फिर से एक बार कहूँगा, अपना और अपनों का ध्यान रखे, खुश रहिए और खुश रखिए। जिंदगी में कुछ चीज़ों को जाने दे, कुछ चीज़ों को कभी ना जाने दे। इस भीड़ भाड़ से भरी दुनिया में खुद को ना खोने दे। इस दिल की हमेशा सुने और इस दिल को किसी का होने दे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सूरत शहर अपने लिए एंड अ वंडरफुल ऑडियंस दैट वी हैव हियर। एक मिनट रुको, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम जो है ना, वो मुझे अभी बताया गया है। मैं एंकर बना ही जिंदगी में इसलिए था कि ये कर सकूं। तो एक सफेद रंग की स्कोडा और ग्रे कलर की ग्लांजा, ये दोनों गाड़ियां जो हैं उसके अगर आप मालिक हैं मैं पार्किंग तो ठीक करता नहीं, लेकिन ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको पार्किंग करवाना आ गया। तो पहले तो ये दोनों गाड़ी के ओनर्स के लिए जोरदार शोर मचाओ, चलो यार। और अगर ये ओनर्स यहां पर है बाय चांस, एक ग्रे एक सफेद, तो प्लीज जरा जल्दी से गाड़ी पार्क कर दो। गाड़ी ना नंबर, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा भाई, इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं कर सकता। बट हाँ जी, तो तुमने गलत किए या सही किए ये तुमको पता नहीं। गौर से इन पर जरा जूम फोकस कीजिएगा, ये जो मोहतरमा यहां पर है फ्रंट रो में, कैमरा टीम, इन्होंने गाड़ी पार्क तो की है, उनको पता नहीं है कि सही की है या गलत की है। मैम प्यार में और पार्किंग में सब जायज। देखिए, हम जब सागर की कवालियां सुनने आए तो ये बात तो जायज है कि हम लोग शायरियों के बहुत बड़े फैन है नहीं है यहां पर? तो यहां पर कोई है जो शायरियां करता है अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, कुछ ऐसा कुछ? जी पहले तो शायरियों के कुछ रूल होते हैं, पहले वो आपको सिखा दूं, समझा दूं। जब भी कोई कहता है कि अर्ज किया है तो क्या कहते हैं? ये वाहवा कौन बोला? देखा, मैंने आपको बोला कि आप लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है यहां पर। हाँ बिल्कुल, वापस ट्राई करेंगे, और अगर आपने इरशाद सही से कहा तो फिर एक आध शायरी पेश करेंगे। ठीक है, तो सूरत, आज की ये शाम ऐसे ही कवाली के नाम, ऐसी ही शाम। तो सूरत वालों, अर्ज किया है। देखो आप लोगों ने ज्यादा पैसे दिए, डजमेंट इनके गोल्ड वालों से आवाज ना आए वहां पे। अब आप लोग चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल्ड वाली पब्लिक, आप लोग हो यहां पे? बहुत अच्छा, तो वहां से यहां तक आवाज आनी चाहिए, अर्ज किया है। वहां से आज यहां पर आवाज आती है तो और सुरीली लगती है। और जब भी एक लाइन खत्म हो तो क्या कहते हैं? वेरी नाइस, क्या बात है, मेरी ऑडियंस धीरे धीरे और बेहतर होती जा रही है। तो अर्ज किया है कि हमारे गालिब के लिए तालियां बजाओ। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स हम कैसे मिस कर सकते हैं, बोलो गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अच्छा, आप में से कितने ने गणपति के दर्शन किए हैं या ऑलरेडी गणपति घर पे बिठाए हैं? एक बार जोरदार आवाज करो प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी। बाप्पा आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और तो अर्ज किया है कि अच्छा, कितनों का दिल टूटा है अभी अभी, रीसेंट भाई, तुझे देख के लगता है तूने तोड़ा है, किसका अभी अभी टूटा है? शक्ल से पता चल जाता है भाई किसका टूटा है। मैं अच्छे से स्पेसिफाई करता हूं, किसका प्यार में दिल टूटा है।
आपका किसका टूटा है यहां पे? इसका टूटी नहीं, क्लीन शेव है। तो टूटे हुए दिल वालों के लिए मैंने कुछ लिखा है, अर्ज करता हूं, जब इश्क किया है सबके सामने बेखौफ, जब इश्क किया है सबके सामने बेखौफ, तो टूटे हुए दिल को क्यों छुपाना है? जब इश्क किया है सबके सामने बेखौफ, तो टूटे हुए दिल को क्यों छुपाना है? पहले उससे इश्क करना था मुश्किल, अब नामुमकिन उसे भुलाना है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे टूटे हुए दिल के लिए भाई। अच्छा, सागर की शायरियां किसको बहुत अच्छे से आती है? सागर की शायरियां कौन करता है बहुत प्यार से? कौन है वो? देखिए, इससे पहले कि अब हम सागर को यहां पे बुलाए, सबसे पहले लेट मी ऑफ कोर्स थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स एंड ऑल द मेंबर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, सागर वाली कवाली इनिशिएटेड बाय शाज इन्वेस्टमेंट। जिंदगी में सारे इन्वेस्टमेंट करें, शाज इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा संभाल लेगा। बस खाली ये दिल वाले मामलों का इन्वेस्टमेंट है, वो उसको आपको खुद संभाल के करना पड़ेगा। और अगर वो इन्वेस्टमेंट गलत गया तो सागर की शायरियां तो है ही आप लोगों के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लब पार्टनर्स ऑफ ऑलिव क्लब, क्लब टू लिव। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाय D&H एंटरटेनमेंट। आर्टिस्ट एंड इवेंट इज मैनेज बाय शो मेकर्स इवेंट्स। Our luxury mobility partners are Landmark Mercedes. Hospitality partners are Park and Radisson, supported by Jeerawala Textile, Driya Weaves Private Limited, Rainbow, Beginning Entertainment, and Tea Event Theory. Our special partners are Vastu Ghee, Mama Yum. Our styling partners are Purple Salon and Wellness. Our exclusive furniture partners are Square Feet Productions. Our media partners are Surtis, radio partners are Big FM 92.7, photography partners Pal by Rahul Jagani, our ambient media partners is Khushi, Wi-Fi partners are Fiber Valley, advertisement partners are Wow Advertisement, our offline ticketing partners are Showmates, Shakes partners is Shakers Galleria, cafe partners are Karma Espresso, community partners are Buzzmark, Reference Club, and ladies and gentlemen, I'm your host, your MC, your sutradhar. Mera naam hai Rahil, Rahil. Thank you everybody for all your patience and love. Lekin ab chalo thodi shayariyan aap logo se bhi sunte hain, because Sagar is going to join us in next 10 minutes. So everybody, thank you for your patience, your time, because trust me, jab wo stage pe aa jayenge, fir aapko non-stop, aapka jitna dil kare, aapko Sagar वाली कवाली महफिल बिल्कुल एंजॉय कर लेगी। सो फॉर नाउ, मेरे को लेफ्ट साइड से जो है वो काफी सारी ऐसे निगाहें देख रही हैं जो कहती है कि मैं शायरियां कर, या कौन करता है? इधर आ गया यार, आ गया जा। यस, लेट्स ट्राई। सर, कौन लास्ट दिल कब टूटा था? बोले एक घंटे नहीं, वो इश्क इश्क नहीं होता भाई वो। चलिए, तो आप अर्ज किया से शुरू करेंगे और हम सब इनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? इनको वाह वाह करेंगे। चलिए, लेट्स डू दिस। अर्ज किया है सूरत, सपोर्ट कौन करेगा? वापस ट्राई करते हैं। अर्ज किया है, वाह क्या बात है, सपोर्ट मिला है। मुझे खौफ है कि मेरी मोहब्बत कुछ इस कदर ना बढ़ जाए। वाह करो सूरत, कम ऑन। वापस रिपीट करेंगे लाइन, इस बार गोल्ड से भी आवाज आनी चाहिए। मुझे खौफ है कि मेरी मोहब्बत कुछ इस कदर ना बढ़ जाए कि देखूं तुझे और डर में रहूं कि मेरी नजर ना लग जाए। ओ हो 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 भाई, इसलिए शायद दिल टूटा है, वो तेरी नजर से डर गई थी। बट वाओ, आई एम सो हैप्पी। यहां पर कोई शायराना अंदाज में कुछ पेश करने वाले? क्या तुम सागर की कवाली सुनने और शायरी ही नहीं करते हो? मैं आपको सिखाऊंगा। चलो आ जाओ इधर। अभी ये मेरी लाइंस रिपीट करेंगे इमोशंस के साथ, ठीक है? आपको कहना है, तुझे नफरत करना तो मुश्किल है मगर, तुझे नफरत करना तो मुश्किल है मगर। नहीं, शेर के भाव नहीं पूछ रहे हम किसी को।
थोड़ा इमोशंस के साथ, कम ऑन. तुझे नफरत करना मुश्किल है मगर. ओके, वेल ट्राइड. तुझे नफरत करना तो मुश्किल है मगर तेरे शहर में आना जाना अब बंद कर दिया है मैंने. तेरे शहर में आना जाना बंद कर दिया है अब मैंने. सर ने सागर वाली कवाली ट्राई की लेकिन कपिल शर्मा तक पहुंच गए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. वेरी वेल डन सर, वेरी वेल डन. सर आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? यस, क्या कहेंगे आप? चलिए हम सागर वाली कवाली ट्राई करते हैं. आज ये शायरी अगर आपने सुनी है तो आवाज जोर से होनी चाहिए. आज मुझे ब्लॉक किया है, आज मुझे ब्लॉक किया है, कल मुझे सर्च करेगी, कल मुझे सर्च करेगी, इतना नाम कमा लूंगा, इतना नाम कमा लेंगे. सागर शुड थैंक मी इस ऑडियंस को पहले समझाने के लिए अच्छे से. ओके, वापस. इतना नाम कमा लूंगा, इतना नाम कमा लूंगा, मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी, मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी, मुझे देखने के लिए तेरा पति भी खर्च करेगा पैसा. ये बोल रहे हैं मुझे देखने के लिए तेरा पति भी खर्च करेगी. सर ऐसे मॉडिफाई नहीं करते, आपने दो शायरियां मिक्स कर दी है. हाय, आप पति हैं किसी के? सर आप किसी के पति हैं? खड़ी है. अच्छा आपके पति हैं ये, तो आप ऐसे इनकार क्यों कर रही थी ऐसे भाई? कोई बात नहीं, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, लड़कियां कभी कभी इनकार कर जाती है. बट चलिए आप ये लाइन कहिए, आपके लिए कुछ शायरी पढ़ते हैं. ये जो सर ने शायरी कही है ना उसके अलावा कुछ करते हैं. मत शर्मिंदा करो मुझे मेरा हाल पूछ कर, मत शर्मिंदा करो मुझे मेरा हाल पूछ कर. ऐसे प्यार से नहीं, ऐसे तो पति को गुस्सा करियो. जरा आवाज निकालो गले से थोड़ा थोड़ा और जोर से, ठीक है? मत शर्मिंदा करो मुझे मेरा हाल पूछ कर, मत शर्मिंदा करो मुझे मेरा हाल पूछ कर. मैं जा रहा हूं यहां से डर कर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू बी बैक नेक्स्ट टाइम विद सागर और उसकी कवाली. थोड़ी ही देर में वी विल बी बैक. तब तक के लिए लेट्स एंजॉय सम ऑफ द वीडियोस ऑन द स्क्रीन फॉर आवर स्पॉन्सर्स. प्लीज कैन वी हैव द एवी. थैंक यू. और इसके बाद शाज इन्वेस्टमेंट की ओर भी चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है वहां पर. कर आए तो टीम आई गई है तो वो भी आई जाएंगे. लेकिन चलिए ये एक एंथम जो है इंतजार वाला वो साथ में मिलके गाते हैं, ठीक है? ये गाना तो सबको आता है. एक लाइन मैं, एक लाइन आप. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन लेट्स डू दिस. इंतहा हो गई. क्या सॉलिड सुरीली ऑडियंस है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है. आने पर वक्त खुद कुछ देर आराम फरमाने को कहे, जिनके नाम से ही शहर मशहूर हो, उन्हें कैसे लुभाए ये शहर. जिन्होंने लग्जरी के हर पहलू को जिया हो उनके लिए खास. इन्वेस्टमेंट की टोली कहां बैठी हुई है यहां पर, थोड़ा शोर मचाओ. वेरी शाज इन्वेस्टमेंट्स, चलिए शाज इन्वेस्टमेंट्स की ओर चलते हैं. जरा उनसे भी तगड़े सवाल पूछते हैं, तगड़े भाई साहब. चलिए कैमरामैन जरा इधर आ जाओ यार. कहां है शाज इन्वेस्टमेंट की पूरी टीम? क्या पूरा स्टाइलिश बन के आई यहां पे. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, एक तो सूरत में शो करने का मजा ही है, ऐसे लगता है घर पे ही चल रहा है सब कुछ, ये मेरा कमरा है. और चलिए तो शाज इन्वेस्ट कौन बताएगा मुझे, इधर आओ यार. सबसे पहले टेल मी शाज इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हमारे सबकी इन्वेस्टमेंट नीड्स पूरी करने के लिए बिल्कुल रेडी है. हमारी नीड्स आपकी नहीं, शाज इन्वेस्टमेंट हम सबकी कौन सी नीड्स पूरी कर सकते हैं? आप सबके, पहले आपकी बात करो, ठीक है? आप स्टेज पे हो, आपकी नीड पूरी हो गई. फर्स्ट इस ऑडियंस को सागर चाहिए था, उनकी नीड पूरी हो गई. अगर काम की बात करें तो यहाँ पे जितने भी जो भी कैटेगरीज के इंसान है
उनकी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स पैसों की नीड पूरी होती है, राइट right? और आगे जानने के लिए इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, पहले हमारा सागर आएगा, फिर उनके साथ हम जुड़ेंगे, सभी के साथ पूरी प्लानिंग करके आए हैं यहाँ पर, ये कि कब कौन सी चीज कब बताई जाए, ये सब कुछ प्लान्ड है। तो चलिए, थैंक यू शाह इन्वेस्टमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वंडरफुल वेंचर, और आशा करें कि हम इतने पैसे तो जोड़ ही ले के आपको दे सके थोड़े से। थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, तो आपको देंगे तो कमाएंगे ना बाद में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सागर के स्वागत में थोड़ी सी लाइट्स हो जाए, थोड़ी सी सूरत की तरफ से प्यार इश्क मोहब्बत भी दिखाया जाए। तो जैसे अब आपको पता चल गया है कि सागर की शायरी जब यहाँ पे होगी तो वाह वाह कब करना है और इरशाद कब करना है, पर एक चीज़ जो हर कॉन्सर्ट की जान होती है, पता चलता है कि ऑडियंस कितनी ज़्यादा स्टेज के साथ कनेक्टेड है, वो है आप सबके मोबाइल की फ्लैश लाइटें। आई होप यू ऑल हैव इट आउट ऑफ योर पॉकेट्स ऑलरेडी। यस, कम ऑन एवरीबॉडी, टेक इट आउट। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा कर दीजिए प्लीज, लाइट्स टीम। आई ओनली वॉन्ट मेरे प्यारी सी ऑडियंस की लाइट्स जो यहाँ पर है, लेट्स क्रिएट दिस वाइब इन सूरत दैट वी रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब सागर जी यहाँ पे आ जाएंगे फिर उनके हुनर की वाइब से ही ये पूरा समा गूंज उठेगा। ये फ्लैश, ये भी लाइट बंद कर दो यार, जस्ट या थैंक यू एवरीबॉडी, कैन हैव योर फ्लैश लाइट्स ऑन, गोल्ड वालो, प्लैटिनम वालो, VIP, VVIP, ICUC, everybody. Come on, let's do this. Yes, jaldi. Let me count till 15. Till 15, I want everybody's lights up. Come on, let's do this. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, आलसी लोग कौन है ये? और ये सुपर एक्टिव लोग, दो दो फोन की लाइट्स वाले, मेरे फेवरेट लोग है भाई। और ये उसके बाजू में बैठा आलसी इंसान। 5, ऑडियंस हैंड्स इन द एयर, ओके, ऐसे नीचे, ऐसे लेजी, ऐसे पेट के बल नहीं दिखानी लाइट, हाथों के ऊपर होने चाहिए एकदम, ओके। एंड नाउ व्हेन आई से राइट इट गोज राइट, व्हेन आई से लेफ्ट इट गोज लेफ्ट। चलिए Audience, let's do this. Put your hands on the right, left, right, left, left. Kaisa chalega aisa? Audience, come on. Let's do a round up. Take it round. Now, let's have it a S-U-R-A-T, okay? When I say give me a S, you say S, okay? Let's scream Surat. So, give me a S, give me a U, R, A, T, we love. Aye, hi, 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 hi. तू क्यों lazy हो गया भाई? Concert शुरू नहीं हो, इसका battery खत्म हो गया भाई. एप्पल दिखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्सर्ट में लोग फोन लेके आते हैं, ये वायर लेके आए चार्जर का। कोई है जो इसको पावर बैंक दे सकता है? कैन एनीवन ट्रस्ट हिम इनफ टू गिव हिम अ पावर बैंक? भाई लेट्स डू दिस, कम ऑन। देखो आप जो भी चेयर करोगे मैं आपके साथ हूं। तो आई एम विथ यू, आई लव दिस चेयरिंग ऑल्सो, आई लव दिस, कम ऑन लेट्स डू दिस ऑन अ 1, ओके चलो देखते हैं आप कितना चेयर कर सकते हो, लेट्स डू दिस ऑन अ 3, 2, 1 गो। एक दो तीन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है तुम लोगों की। ये तुम सारे दोस्त हो, एक साथ गोवा गए हो अभी तक एक भी बार? तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ही गड़बड़ है, तुम जा नहीं सकते। आय हाय, गोवा जाना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, प्लान कैंसिल होते हुए जाना है, समझ लेना ये। सो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन,
We are 5 minutes away from welcoming Sagar with us. पहले तो मेरे सारे जो मित्रगण हैं, जो मुझे काफी जाने पहचाने चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको मेरा बहुत बड़ा हाय भाई. बहुत लंबे अरसे बाद काफी सारे लोगों को मिल रहा हूँ यहाँ पर. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी योर DNH एंटरटेनमेंट. ये देखो, ये जो शख्स है ना, उसने मुझे बोला है 5 मिनट. तो अगर 5 मिनट में सागर ना आए तो यू नो व्हाट टू डू. क्या हो गया? आग लग गई? नहीं नहीं, ये धुआं है खाली. हर धुएं के लिए जरूरी नहीं कि आग लगाई जाए. अबे वाह, नहीं, लाइन थी खाली. अब सब शायरी के इतने अच्छे से मूड में आ गए कि अब भी कुछ भी बोलो, बस यहां पे सब वाहवा ही निकलेगा यहां पर. क्या बात है, वंडरफुल. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस शाम आप जितने भी वीडियोस, फोटोज, जो भी इंस्टाग्राम पे रखने वाले हैं, आपको पता है आपको सबको टैग करना है. DNH एंटरटेनमेंट, शो मेकर्स, देन शाज इन्वेस्टमेंट, ऑलिव क्लब एंड सागर ऑफ कोर्स. विदाउट सेइंग यू आर गोइंग टू टैग हिम एंड यू कैन टैग मी एज वेल. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राहिल, मेरा नाम. इट्स वेरी वेरी इजी. RAHILMERANAAM. सो डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी एज वेल. आई वुड लव टू सी आपकी नजरों से स्टेज का क्या हाल चल रहा है. ये क्या बोर हो गई है ये लड़की, देखो भाई. लाओ फोन दो अपना. नहीं मतलब मैं जब्त नहीं कर रहा हूं, खोल के दो. मैं आप लोगों को फोटो खींच रहा हूं यहां से. यस, ये इतनी बोर है, मैं आपको दिखाऊंगा ये सेल्फी कैसे ले रही थी. शी इज लाइक, बट नाउ आई वॉन्ट अ स्माइलिंग वन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ओके कम ऑन, ये एंगल से फोटोज नहीं मिलेगी बार. आप किसके साथ आए हो? आप अकेले हो? आप दोनों साथ में हो? आप लोग क्या रिश्ता है आप दोनों का? भैया है? वेरी नाइस. तो भैया एंड सिस्टर, अ क्यूट पिक्चर. बाकी सारे साइड हटो. ओके यार, 3-2. थैंक यू. अब थोड़ा खुश हो जाओ. यस, वेरी नाइस. यार राहुल जगानी कहाँ है तेरे फोटोग्राफर्स? यहाँ पे तेरा काम मैं कर रहा हूँ. चलो अच्छा, मेरे साथ सेल्फी चाहती है. ओके लेट्स डू दिस. जब तक सागर नहीं आता मेरा डिमांड है. सागर आ गया फिर तू कौन मैं कौन. चलो लेट्स डू दिस. ओके एवरीबॉडी मेक सम नॉइस. सुपर्ब नॉइस यार, क्या सुपर्ब नॉइस किया है. सो एवरीबॉडी, आई प्रॉमिस यू, अगली बार जब मैं वापस स्टेज पे आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सागर को लेके आएंगे हम यहाँ पर. आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम. जल्दी से अपने सेल्फीज क्लिक कर लो, बिकॉज उसके बाद आपको ये वक्त नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट टाइम फॉर योर सेल्फीज, बिकॉज देन इट्स गोइंग टू बी सागर ऑल द वे. कैन वी हैव दी स्पॉन्सर्स AVs ऑन द स्क्रीन प्लीज. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सूरत, हाउ आर यू डूइंग. देखिए आप लोग इतना प्यार करते हो तो ही मुझे दोबारा से स्टेज मिलती है. हर रात मैं सपना लेके सोचता हूँ, सोता हूँ कि सुबह उठूंगा तो एक नया शहर मिलेगा, एक नई स्टेज मिलेगी, नए लोग मिलेंगे. और आप लोग इतना प्यार करते हैं कि मिल जाती है ऐसी जिंदगी में चीजें मुझे. बट ये सागर वाली कवाली बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैंने जिंदगी में मोहब्बत की थी जो मुझे नहीं मिली. और उसके बाद जब उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम
मेरे नाम पे शेर तो बहुत सारे बोलते हो लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मैंने कहा कि इसीलिए किसी को बताने वाला नहीं, क्योंकि तेरा मेरा ताल्लुक अब जमाने वाला नहीं, और अगर लौट कर आ ही रहे हो तो इतना ध्यान रहे कि तुम्हारा दोस्त तो हूं मगर पुराने वाला नहीं। स्वागत करते हैं सागर वाली कवाली में, एक बार जोरदार शोर मचा दीजिए। वो बोली कि मुझे लगता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। आप सब में से किसने जिंदगी में मोहब्बत करी, एक बार हाथ ऊपर करके बता दे जरा। और दिल किस किस का टूटा है? अच्छा, गुजरात में दिल कम टूटता है, मतलब दिल्ली में बहुत टूटता है। तो मैंने कहा, अर्ज करता हूं, एक बार कह दो इरशाद। मैंने कहा मेरी जान, तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहता हूं मुझे कहने दो। तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहता हूं मुझे कहने दो। और एक तरफा इश्क करना बेहतर है मेरी जान, मैं करता हूं तुम रहने दो। See you.
चले गिव इट अप फॉर माय बैंड एवरीबॉडी. Everybody, come on, hands up in the air. करने जाते हो तो एक वार्म अप सेशन होता है ना, ये हमारा वार्म अप सेशन है, तुम्हारा भी हो गया. ये पीछे वाले सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. और आपको कसम लगेगी माता रानी की ना, हाथ बांध के नहीं बैठना, हाथ खोल के बैठना है, क्योंकि ऐसी कोई सागर वाली कवाली नहीं हुई जिसमें हाथ खोल के ताली नहीं हुई. और कसम भगवान की, एक शेर आप सबके लिए है कि आप हो तो गा रहा है सागर, आप हो तो गा रहा है सागर, और जो सोचा भी नहीं था ख्वाबों में वो भी पा रहा है सागर. किसानों एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना. शेर जो मैंने लिखा था वो ये था,
मैं कभी उनसे नाराज नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता रहा कि मैं नाराज हूं। अगर नाराज होता तो आज तक भी उनका नाम नहीं ले रहा होता। तो मैंने लिखा कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं। आप सभी की तवज्जो चाहिए, अगर आप शेर सुनेंगे तो आखिरी वर्ड बोल पाएंगे मेरे साथ कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं, और जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं, और जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। और मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तां, कि जब एक बार उनसे हुआ फिर किसी और से प्यार सजना। ड्राई स्टेट है ना भाई, पीछे वाले लोग भी बता दे हाथ ऊपर करके, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट राइट, बट आई एम कमिंग फ्रॉम द वेटेस्ट। मैं सबसे गीली जगह से आ रहा हूं जिसका नाम है दिल्ली। आप में से दिल्ली से है कोई? यहां पे वेट चीज के बारे में बात करने पे तो कोई जेल नहीं होती ना, बात कर सकते ना। तो मुझे ऐसा लगता है गुजरात आके कि कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो कि शाम का वक्त और शराब ना हो। मेरे को लगता है आपको ये शेर याद हो गया होगा, तो सेकंड लाइन आप बोलना कि कभी किसी इंसान का वक्त इतना खराब ना हो कि शाम का वक्त हो। और चलो कोई बात नहीं, हम अपनी आंखों से पिला देंगे। दो एक दो
मैंने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। ये सबसे पहले बताए उनके लिए जो पीछे स्टैंड्स पे बैठे, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, बट दिल से मेरे लिए शेर है, सुनो। कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा, और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। अब ये तो बोलने की बात हो गई, कसम से उसका पति मेरा फैन है। आपने सुना होगा मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट तो मैं जब लिख रहा था तो मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा ही कर लिया मैंने, और एक चीज और बोली थी मैंने उसको, वो सच हो गई। मैंने कहा आज ब्लॉग कर रही हो कल सर्च करोगी, आज ब्लॉग कर रही हो कल सर्च करोगी, और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करोगी। अभी मुंबई में शो था मेरा डोम का ना, वहां पे टिकट्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने बोला मैं करवा देता हूं एंट्री, टेंशन मत। लेकिन फिर भी मोहब्बत क्या सी चीज है, गाना उसी के लिए गा रहा हूं, पता है कौन सा, एक दो एक दो। जिंदगी चलते चलते ही मिले हो आप मुझे। मुदस्सिर भाई गो फॉर इट। चलते चलते मिल गया था सरदार।
पंजाबी गाइस एंड वी आर लिटिल लाउड. हम थोड़े लाउड होते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल से बात नहीं करते. मैंने कहा कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते. माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते. और ये नरम लहजा और प्यारी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं. ये नरम लहजा और प्यारी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं. हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते. एक मूवी आई थी अभी सरफिरा. सरफिरा मूवी में मेरा पहला डेब्यू एज अ प्लेबैक. शायद आपने वो गाना सुना हो, और नहीं सुना हो तो मेरी आवाज के बाद रिपीट करना. खुदाया मुझे इश्क की आग जलाए, खुदाया मुझे इश्क का दर्द रुलाए, खुदाया मुझे इश्क की आग जलाए, खुदाया मुझे इश्क का दर्द रुलाए, कहीं से मेरे दिल की दवा. तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा मेरे ते तू मरेगी ना. तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा मेरे ते तू मरेगी ना. ऐदा नहीं होंदा के मैं ही करी जावा ते तू मेरा करेगी ना. जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार.
चलो एवरीबॉडी कम ऑन हैंड्स अप इन द एयर वो चंगा नहीं हो आप सभी खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत सी कव्वाली मेरी तरफ से आई लव यू फाइव आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए एक बार ना मेरे कहने पे ऑन द काउंट ऑफ थ्री टर्न करना पीछे ऊपर वालों को देखना है ठीक है सबने टर्न करना है क्योंकि ये शोर नहीं मचा रहे हाथ भी ऊपर नहीं कर रहे ठीक है ऑन द काउंट ऑफ थ्री वन टू थ्री इनको देखो सारे पुट योर हैंड्स अप इन द एयर एवरीबॉडी इन द हाउस यू बन समर के सामने आया ना कीजिए देखकर तुम्हारी जवानी देखकर तुम्हारी जवानी मुझे आरजूए शराब होती है फिर मेरे को याद आ जाता है कि मैं तो सूरत में हूं सॉरी देखकर तुम्हारी जवानी मुझे आरजूए शराब होती है मैं रोज तौबा को तोड़ता हूं रोज नियत खराब होती है यूं बन समर के सामने अभी देखो मैं इमेजिन करके किसी और को सुना रहा हूं हमारी तरफ से निगाहें हटा लो हमें जिंदा रहने ए खुशबू
many of you are from Delhi? तुम्हें भैंस की आंख दिल्ली में टिकट नहीं मिलती? कह रहा है, अच्छा मैं, गाइस जितने भी लोग यहाँ, मेरे को अपना परिवार समझना, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं आपके दिल का एक टुकड़ा हूँ। आप लोग यहाँ समय निकाल के आए हो, आज बिल्कुल परिवार की तरह, घर की तरह बैठो। जितने भी लोग हैं, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में शोज कर रहा हूँ अभी, भगवान की दुआ से, आप सबके प्यार से। जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ बोलते हैं, यार दिल्ली से है क्या तू? मैंने कहा तो मेरी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं दिल्ली से हूँ। कह रहा है कि दिल्ली में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कह रहा है दिल्ली में ना शो ऑफ बहुत है। मैंने कहा भाई उसको शो ऑफ नहीं कहते, हवाबाजी कहते हैं। तो कह रहा चल फिर हवाबाजी पे एक शेर सुना दे। मैंने कहा तुम जान लेके मानोगे, सुनो। हमारी मम्मी बचपन से कहती थी कि पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। हम दिल्ली वाले होते ऐसे, हमारे बैंक में पड़े 2 करोड़, गाड़ी हम 5 करोड़ की लेंगे, हमारी मर्जी। कह रहे दिल्ली में क्या खास है? मैंने कहा तेरे यहाँ पे सुबह छोले भटूरे मिलते हैं? कह रहा ठीक ठीक मिलते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ सारी रात बढ़िया मिलते हैं, और बता। मैंने कहा देखो मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, और मैं आसमां पे सितारे ताकता हूँ। मेरे पैरों के नीचे तो जमीन नहीं, और मैं आसमां पे सितारे ताकता हूँ, और तुम्हें जो सही लगे ऊपर वाले मुझे वही देना, क्योंकि मेरा क्या, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। तुम्हें तड़पाए मैं जागूंगा नहीं, तुम्हें ना छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओ, सच कहता हूं जा बहुत पछताओ। परदेसी मेरे यारा, मुझे नहीं जाऊंगा परदेसी, परदेसी मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा, मुझे याद रखना कहीं भूल भी, आप सबने इतनी दिल खोल के मेरे लिए गाया है, तो रिचुअल्स ऐसे है कि मैं दिल खोल के तुम्हारे लिए नाचूंगा। क्योंकि मेरी मम्मा कहती है कि या तो भगवान किसी को स्टेज मत दे, और अगर स्टेज दे तो फिर शर्म मत दे। मैं तो दिल्ली छोड़ के आया हूं, लेट्स डू इट टुगेदर एवरीबॉडी, लेट्स बिगिन द पार्टी। Let's see.
जाना माने दिलदार तू माने जाना असाते तेनू रब माने आयू कमरा था जिसके अंदर 6 लोगों को सोना होता था तो मुझे छत मिलती थी सोने के लिए और छत पे एक खटिया और मंजी होती है ना वो बिछा के सोता था और उस टाइम तारे बहुत सारे दिखते थे तो मैंने उस दिन लिखा कि मुझे तारे पसंद हैं चाहे मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे मुझे लोग सारे पसंद हैं इतनी सी जिंदगी है उसमें क्या किसी से नफरत करनी सिर्फ मोहब्बत बांटो और उसके बाद समझे जमाना के दिल है खिलौना जाना क्या है दिल का लगाना नजरों से कवाली देखने तो आप सभी के लिए गाना हमारी तरफ से पर उसके लिए बात इतनी है कि सारी लाइटें बंद कराएंगे और तुम्हारी फ्लैशलाइट्स खोलेंगे चलो फ्लैशलाइट्स अप इन द एयर फॉर यू गाइस मिलके भी हम ना
चार चार रात तेरे बलन हमेशा
हाथ ऊपर कर गया एवरीवन पहली बार ऐसे करेंगे कॉन्सर्ट में जितने भी लोग पीछे भी बैठे हैं ना मेरे कहने पे सिर्फ एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं अपनी जगह पे एक चीज करते हैं साथ में आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज स्टैंड एट योर प्लेस कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन डू इट और बिना शर्माए नीचे वाले भी और लेफ्ट वाले भी पीछे वाले भी और राइट वाले भी पुट योर लेफ्ट हैंड्स ऑन योर वेस्ट अपनी कमर पे हाथ रख लो जरा एक बार लेट्स डू इट विद मी वन एंड टू एंड एवरीबॉडी कम Love you, heart to heart, girl. Everybody, naal baje gadi, naal baje gule, naal baje hey. Oh, naal baje gadi, naal baje gule, naal. Sidri ka, same na raat ki jo baat karta, kama tum bas mein karta, ali da pehla tum. गाना पहचान लो प्लीज हमारे साथ एक बंदा आया है जिसका नाम है मुदस्सिर खान उसकी शादी हो गई है 8-9 महीने पहले और 8-9 बारी घर जा पाया बेचारा बजाएगा तो देखेंगे तेरे को सब मुदस्सिर भाई जोरदार तालियां हो जाए मुदस्सिर भाई की वाइफ के लिए जो कह रही है जाओ एंजॉय करो सागर तो तुम्हारे को छुट्टी देगा नहीं सागर क्या नहीं देगा ये प्यार करने वाले लोग ही छुट्टी नहीं देते तुम्हारे को लेट्स प्ले दिस सॉन्ग फॉर एवरीबॉडी मान गया सूरत को सब गा रहे थे नैना मिलई के सैना मिलई के
मतवारी कर दी रे मोजे नैना लग रही है। हाँ मेरे बारे में सोचो, मैं ये तो सोच रहा हूँ अपनी शादी में क्या पहनूंगा। मैं रोज तो शेरवानी पहनता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ गोवा में कर लूंगा ताकि कोट सेट पहन के अपना बढ़िया शादी दूल्हा बन जाए बंदा है। शादी से याद आया भाई एक शेर, शादी से शेर ऐसा है कि मैं उसको गया, मैंने कहा कि वो कहती सागर रात बहुत हो रही है, इरशाद बोल दो, मैं नहीं जा रही इरशाद। और ये ना सच्ची कहानी है, वो शेरों में तब्दील करी मैंने। कह रही सागर रात बहुत हो रही है, तो मैंने कहा सो जाओ। कह रही रात बहुत हो रही है, तो मैंने कहा सो जाओ। कह रही सागर अब ना मुझे तुम्हारे साथ नींद नहीं आती, तो मैंने कहा फिर किसी और की हो जाओ। यार मजाक में बोला था मैंने, यार सीरियस हो गई। फिर मैं उसके घर गया उसे मनाने, मैंने कहा जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, कैरी गाना मत सुना मुझे, मैं मानने वाली नहीं हूं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा इतनी प्यारी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा इतनी प्यारी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? इतनी पास क्यों आ रही हो मेरे, आज बिछड़ने की रात है क्या? और ये खिड़की से बार बार बाहर क्या झांक रही हो, ये तुम्हारी बारात है क्या? कह रही हां। मैं आ गया घर, मैं घर पहुंचा तो मेरे वही चार दोस्त बचपन वाले, कह रहे खोलो बोतल आज हम सूरत में नहीं है। मैंने कहा यार यहां तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, यहां तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से। और यहां मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, यहां मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और वहां वो अपना लहंगा मिला रही किसी की शेरवानी से। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, हाय जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, हाय हाय। लाई भी न गई तेरी भाई, लाई भी न गई तेरी भाई, कि मेरे मारता
गई सोनी रे जीवन टूटे अमर तो तारा ऐसे गाने सैड मत गा मेरा दोस्त कह रहा छोड़ दे बहुत जिंदगी बड़ी है। तो फिर मैंने आखिरी शेर बोला फिर भूल गया मैं उसको। शेर ये था कि मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, वो लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती, उसकी फिक्र करता हूं तो मुझे चिपकू बुलाती है, उसकी फिक्र करता हूं तो मुझे चिपकू बुलाती है, यार वो लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। क्या आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो एग्जैक्टली उस सिचुएशन पे मैंने शेर नहीं लिखा था, लेकिन वो सिचुएशन थी तो ही तो लिख पाया। एक और लिखा था कि अच्छा ये मेरा शेर नहीं है सॉरी, ये शेर ऐसा है कि एक वही लड़की समझती थी मुझे, लड़की को छोड़ो, एक वही शख्स समझता था मुझे, फिर हुआ ये कि वो भी समझदार हो गया, एक वही शख्स समझता था मुझे, फिर हुआ ये कि वो भी समझदार हो गया, पहले सबसे क्यूट लगता था उसको सागर, फिर सागर ही उसके लिए बेकार हो गया। वे मैं जान के चीज बेगानी नू है अपनी चीज बना बैठी, वे मैं जान के चीज बेगानी नू है अपनी चीज बना बैठी, वे मैं जान के चीज बेगानी नू है सामने नहीं रहना। आए 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 आए
पहले बहुत नजदीक आई मेरे वो, पहले बहुत नजदीक आई मेरे, और फिर कहती हूं आपके नहीं। पहले बहुत नजदीक आई मेरे, फिर कहती कि हम आपके नहीं। हमने कहा अब अगर तुम्हारे मुंह से अपना नाम ना चिखवाया तो अपने बाप के नहीं। फिर कहती केवे में सागर सागर कर दी First time that I'm doing this share like this, तो ये सब आपके साथ है। वे मैं सागर सागर कर दी रहना, के वे मैं सागर सागर कर दी रहना। अब इसका मजा कब आएगा, जब मैं शेर बोलूंगा फिर आप ये बोलना, इसकी रील डालते हैं कल, सूरत वायरल आ रहा भाई। कि पहले बहुत नजदीक आई वो मेरे, फिर बोली हम आपके नहीं। हमने कहा कि अब तुम्हारे मुंह से अपना नाम ना चिखवाया तो हम अपने बाप के नहीं। और फिर वो क्या गाएगी, मेरे दोस्त गाएंगे साथ में, कि वे मैं सागर सागर कर दी रहना, के वे मैं सागर सागर कर दी, to the college days everybody.
तमन्ना हमें तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सराए तेरी ले ले बनाए है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए सबने तेरी दीवानी गाना सुना होगा तेरी दीवानी का एक्सटेंडेड रीमेक मैंने ऑफिशियल किया है 3 दिन पहले उसमें मैंने लिरिक्स लिखे हैं अगर मैं एक लाइन गाऊंगा आपको सुनाई दे तो रिपीट करना पहले गाने में कहा गया था कि इश्क चुनू जब हद से बढ़ जाए इश्क चुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए राइट अब मैंने लिखा है कि एक दफा नहीं काफी टूटे हैं एक दफा नहीं काफी टूटे हैं एक दफा नहीं काफी टूटे हैं बस इतना बता दो मुझसे क्यों वो रूठे हैं एक दफा नहीं काफी टूटे हैं एक दफा नहीं काफी टूटे हैं बस इतना बता दो मुझसे क्यों वो सबसे जुड़े हैं मुझसे छूटे हैं सबसे जुड़े हैं मुझसे छूटे हैं उनका नाम लिखा हाथ पे फिर भी हम झूठे मतलब टैटू बनवा लिया उसके नाम का और वो कह रही है मैं उसका एतबार नहीं करता उनका नाम लिखा हाथ पे फिर भी हम झूठे यही इश्क दी मर्जी यही रब दी
सिर्फ डीजे पे मिक्स नहीं होते, लाइव में भी हो जाते हैं। हमारी अधूरी कहानी सुना, मुझे प्यार याद हो गया। आज के बाद यही गाना मेरे साथ, कैसे? हमारी अधूरी कहानी सुना, मुझे प्यार। अब रेडी, पूरा गाएं। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी कहानी सुनो। ये देखकर भी कि आंख मेरी नम है, ये देखकर भी कि आंख मेरी नम है, वो कहती रही कि गुनहगार हम हैं। अबे रो रहा हूं इतना तो तरस खा ले। ये देखकर भी कि आंख मेरी नम है, वो कहती रही कि गुनहगार हम हैं। गलती उसकी नहीं, क्योंकि उसके शहर में तो वफादार लोगों की तादाद ही कम है। और मैंने मैंने तानी दी थी पिस्तौल उसके आशिक पर, मैंने तान ही दी थी पिस्तौल उसके आशिक पर, फिर उसने कह दिया सागर तुम्हें मेरी कसम है। कहानी सुना we
खोया खोया रे मेरा हो अब मेरा कुछ भी नहीं हर पल हर रेडबुली पकड़ लू कम से कम फील तो आएगी मेरे बाद किसको सताओगे मुझे किस तरह से मिटाओगे मुझको तो बर्बाद किया जो हल्का हल्का सुर ये तेरी नजर का कसूर है ये जो हल्का हल्का सुर है ये तेरी नजर का कसूर है ये शराब ब्लैक लेवल ब्लू लेवल शिवद्रिगल रॉयल सलूट एब्सोल्यूट जैगर मास्टर ग्लैंड लेवल ग्लैंड फ्रेंड सब मेरे लिए आम है ये ब्लैक लेवल ब्लू लेवल शिवद्रिगल रॉयल सलूट एब्सोल्यूट जैगर मास्टर ग्लैंड लेवल ग्लैंड फ्रेंड सब मेरे लिए आम है जब तक मेरे चार यार मेरे साथ बैठ के ना पिए तो इन सब का क्या काम है तुम पियो तो गलत हम पिए तो सवाब बनती है और 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक बूंद शराब बनती है आप में से शादी किस किस की हो गई तो ये बीवियों के फेवर में शेर है मैं बीवियों के फेवर में शेर बोल रहा हूं देखो जरा हर जाम कमाल नहीं होता जैसे किसी के हाथ का मीठा होता है किसी का कड़वा अब तुम्हें क्या पता तुम सूरत रहते हो रहो हर जाम कमाल नहीं होता और हर शराबी का बुरा हाल हर जाम कमाल नहीं होता और हर शराबी का बुरा हाल पर जब तक घर जाकर बीवी चार गालियां ना दे तब तक दिल में शराब पीने का मलाल नहीं होता मस 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 ये सारा जहां देखो
जब मोहब्बत ऐसी हो तो शराब की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आपकी शोर और तालियों ने हमें खड़ा रखा है। तो तेरे प्यार ने तेरी चाह तेरी बहकी बहकी तेरे प्यार ने तेरी तेरी बहकी बहकी मुझे एक शराबी कहना गलत गलत कहना गलत गलत तो छुपाना कहना गलत गलत कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कल रात तुम कहाँ तुम कहाँ थे? मैं तो सो रहा था, मुझे सुबह फ्लाइट पकड़नी थी। कल रात तुम्हारी याद में मैं थका तो नहीं पर टूट रहा था। कल रात तुम्हारी याद में मैं थका तो नहीं पर टूट रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और जमाना मजा लूट रहा था। मुझ पे करम सरकार तेरा अर्ज मुझे कर दे तुझे अब मुझसे ही अब मुझको भी हो दीदार तेरा मन के कच्चे वो जो मुझ में समाया वो तो तुझ में समाया भोला बगी बगी माया सभी के लिए जब तक जिंदा तुझे कुछ होने
आई वुड लाइक टू कॉल हार्दिक भाई ऑन स्टेज, जिनकी वजह से आज ये शो हुआ. भाभी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ. जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए पहले हमारी तरफ से. ये जिंदगी की जीत ऐसी होती है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, शहर तो बड़ा है दिल्ली, पर उसमें छोटी सी जगह है जमुना पार. जमुना पार से समंदर पार तक का सफर तय हुआ है सिर्फ आपकी मोहब्बत पे. क्योंकि मैंने लिखा था एक समय पे कि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला. मैंने कई साल ठोकरें खाई, फिर जाके दिन सुनहरे देखे हैं. अब उनकी जितनी शिद्दत थी बर्बाद करने की उन्होंने कर ली, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं बताए. मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करो. मुझे बोला जाता है कि तुम पूरी दुनिया के लिए गाते हो, मेरे को एक गाना डेडिकेट करो. मैंने कहा रो पड़ोगे रहने दो. क्या ही नहीं रोऊंगी, आप करो तो सही. मैंने कहा चल वही गाना गाता हूं तेरे लिए आखिरी, जो मैं सुनता था तेरे बाद. वो गाना क्या था? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है, मुझको सदा निकार की ऐसा लुट गए हम तेरी. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती, मुझको सजा ऐसा का गुनाह किया. तो लुट गए लुट गए हम तेरी. सागर भाटिया, मुझे भी एक बात बतानी आपसे. मुझे एक बात का गुरूर है कि कलाकार की दुनिया में मुझे कोई पसंद नहीं, पर इस बात का भी गुरूर है कि आपके अलावा कोई पसंद नहीं. और सागर वाली कवाली लोगों के लिए कवाली होगी, मेरे लिए एक नशा है, और इस नशे में पिछले एक साल से हर रात गुजारती हूँ. और मेरे आसपास के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको मैं कहती हूँ कि अगर मैं रूठ जाऊँ तो कुछ ना करना, बस सागर वाली कवाली लगा देना. एंड यस, थैंक टू हार्दिक शाह, उन्होंने मुझे पूछा तेरा सपना. मैंने कहा मुझे सागर भाटिया बहुत पसंद है. और आज एक बात पे आज यहाँ पे आप हाजिर हो गए. मैंने मैनिफेस्ट किया था आपसे मिलने के लिए. सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर ली. सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर ली. बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, दिल की बात बोली है इन्होंने. सारा जग छट के बस तेनु ही मैं चुने, सारा जग छट के बस तेनु ही मैं चुने. लख के दिल नूं पर फिर भी है डे, लख के दिल नूं पर फिर भी ना पड़या. ओ बह गया हंजुआ दा दरे, तेरे लेके
मैं भी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूं, और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूं। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ हूं। मुझको तो बर्बाद किया है, फन तुम अदानगी की हद करते हो, किसी के जाने के बाद उसे याद करते हो, जब होता है पास तुम्हारे उसकी कदर नहीं करते, फिर जाने के बाद क्यों खुदा से फरियाद करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू सागर वाली कवाली। थैंक यू सूरत फॉर सो मच लव। फिर से एक बार मिलेंगे कहीं किसी रोज आपकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी और यादें जोड़ने के लिए। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई एम योर होस्ट, योर एमसी, योर सूत्रधार। मेरा नाम है RAHIL राहल। और फिर से एक बार सूरत का इतना प्यार, क्या बात है। फिर से एक बार हमारे सभी कर्ता धर्ताओं को बहुत बड़ा शुक्रिया कह देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सागर वाली कवाली इनिशिएटिव बाय शाज इन्वेस्टमेंट क्लब पार्टनर ऑलिव क्लब टू लिव, ऑर्गेनाइज बाय DRCHA Entertainment artists and event managed by Showmakers Events, luxury mobility partner Landmark Mercedes, a hospitality partner Park & Radisson, supported by Jeerawala Textile, Dria Views Private Limited, Rainbow Beginning Entertainment's The Event Theory, special partner Vastu Ghee and Mama Yum, starling partners are Purple Salon and Wellness, exclusive furniture partners Square Feet Production, media partners are Surti's, radio partner 92.7 Big FM, photography partner Pal by Rahul Jagani, ambient media partners Khushi, Wi-Fi partner Fiber Valley, advertisement partners Wow Advertisement, offline ticketing partner Showmates, Shakes partner Shakers Galleria, cafe partner Karma Expresso, community partner Buzz Reference Club, and design partners are Design Pulton. Thank you so much one more time. Do not forget to share all your videos and pictures and wonderful moments from this wonderful time on all our pages. And if you love my work, do not forget to go and hit a follow to my Instagram as well. Mera Instagram par account hai, bahut hi simple sa naam hai, wo hai Rahil Mera Naam. Thank you everybody, have a wonderful time. Good night, take care, God bless you all. Thank you sir, thank you so much. Thank you for so much love. Thank you so much, thank you. Yes, please, let's do this. Hi.